करना है इसलिए सबसे पहले अखबारी कागज के कारखाने निपा लिमिटेड के लेबर ऑफिस में लगी आग, दमकल की मदद से आग पर पाया काबू, आग लगने का फिलहाल स्पष्ट नहीं। बुरहानपुर जिले में लोक अदालत के आयोजन, जिला सेवा विद्युत प्राधिकरण की ओर से 11 लोक अदालत का किया आयोजन, 1329 लंबित मामलों का किया निराकरण। और देश के सैनिक ने अपने गांव में जन्म लेने वाली बेटियों के लिए शुरू की अनूठी पहल, गांव में जन्म लेने वाली बेटी की मांग होगी 5000 की आर्थिक मदद। रायसेन में सागर भोपाल स्टेट हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी बस, 20 यात्रियों को चोट आने की खबर, 10 की हालत गंभीर, घायलों को भेजा गैरतगंज अस्पताल। रुद्रप्रयाग डीएम ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ड्रोन अधिकार शुभम कालक बचाव सजा का चेक देकर किया प्रोत्साहित, होनहार छात्र छात्राओं के अधिकारी मयूर दीक्षित ने शुभकामनाएं। नैमिषारण्य में सियाराम दरबार नवागढ़ विधायक दयाल सिंह बंजारे मिट्टी और जल लेकर श्री शमी गणेश मंदिर पहुंचे, में बनेगा 25 करोड़ रुपए की लागत से सियाराम। बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत इमली में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद भागवत कथा का हुआ आयोजन, कथा प्रारंभ से पहले ग्रामीण ढोल धमाके के साथ निकाली कलश यात्रा। उत्तरकाशी के सभी मंदिरों में लगी श्रद्धालु की भीड़, कालेश्वर मंदिर में शनि महाराज की पूजा करने से होगी हर मनोकामना पूरी। विदिशा जिले की ग्राम पंचायत कुंडुआ में पानी की समस्या से जूझते ग्रामवासी 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं, ग्रामवासी ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर काम न करने के लगाया आरोप। बालोद में नगर पंचायत गुरूर के साहू समाज में रक्तदान शिविर का आयोजन, बीजेपी जिलाध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने कहा कि रक्तदान से बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं, रक्त करने वालों को यह सम्मान। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के ठेके श्रमिकों को नहीं मिला 3 माह का वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारी नाराज, परिवारों का भरण पोषण हो रही दिक्कत। गुरुद्वार नगर निगम के झंडी चौक में दिव्यांग पुलिस स्कूल में दिव्यांग बच्चों को बांटे कंबल, 20 दिव्यांग बच्चों और 20 जरूरतमंदों को दिए कंबल, सुंदर लाल आर ने जरूरतमंदों की सहायता करने की कही बात। हरिद्वार को हिंदुओं के साथ पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है, हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार दर्शन के लिए पहुंचे हैदराबाद के वेणु गोपाल ने परिवार संग साझा किया अपने अनुभव। मुंबई पत्रकार शशिकांत की हत्या और पत्रकारों पर हमलों के विरोध में सड़क पर उतरे पत्रकार संघ, पास ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने की मांग। गोंडा में किन्नरों ने थाने के सामने किया प्रदर्शन, दुर्गागंज गांव में वैवाहिक समारोह में किन्नरों की पिटाई का मामला तरबगंज हाईकोर्ट किया जाना। गाजियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ने अनोखे अंदाज से मनाया अपना जन्मदिन, प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर बच्चों के बीच मनाया जन्मदिन, विकास नगर में कांग्रेसों ने तिलक भवन के बाहर उपवास कर व काला फीता बांधकर किया विरोध प्रदर्शन, अभिषेक चौहान को हरबट पुल चौकी बुलाकर डराने धमकाने का लगाया आरोप। बेमित्रा में साझा विधानसभा के द्वारे पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, ग्राम पंचायत में हो रही श्रीमद भागवत कथा में शामिल, 6 से 14 फरवरी तक श्रीमद भागवत कथा का किया जा रहा आयोजन। कटनी में युवक कांग्रेस ने LIC SBI को बचाने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर बैठे किया आंदोलन, युवक कांग्रेस ने GPC जांच की मांग। चमोली में देहरादून में बेरोजगार संगठन पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भुवनेश्वर मुख्यालय में युवाओं की जमकर नारेबाजी, आक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। करीबन में बिलर के घर में घुसे तेंदुए ने किया 7 बकरियों का शिकार, करने के बाद ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की टीम जांच की छुट्टी, हाई अलर्ट जारी। विकास नगर में धर्मावाला पुलिस चौकी में नवनिर्मित मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा, इस अवसर पर भंडारी का विभाग। बुरहानपुर से मैं निपा नगर विधानसभा के निम्बोला गांव के विकास यात्रा मोर्चे प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल, पीएम बोले अब त्रिपुरा में डर नहीं, सुरक्षा का माहौल, लेफ्ट कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दोनों पार्टी के कारण हुआ अपना राज्य छोड़ने पर भी मजबूर। उत्तराखंड में जारी हुआ नकल विरोधी कानून, पकड़े गए तो उम्र कैद के साथ 13 वर्ष का जुर्माना।